जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हूँ तुम राह जिंदगी में, कितना हसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे तुम थी बालों की टॉर्च लेकर, बांधो जवाहरे उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की जुबा पर था बस यही फसाना, दुनिया की डर से तुमने जो बदली थी निगाहें, था जून का महीना लब्बे थी गर्म आहे, जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम, थे आसमां में बादल और मेरी आंखें बुड़नम, माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, मेरे आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी, लेकिन ये क्या बताए। हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता, आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे। तो ये है दूसरे दिन का क्लिप, यानी कि ये मंगलवार का है। तो मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मार्केट नहीं गई हूँ लखीमपुर का। मैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी लखीमपुर का मार्केट। और ये है संकटा देवी माता मंदिर। तो आप जब भी कोई आप इस संकटा देवी माता मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लखीमपुर के संकटा देवी माता मंदिर सर्च कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा और इनके बारे में भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे से ये देख रहे थे, तो बहुत अच्छी लग रही थी। इसके प्राइस ना 6 से 7 हज़ार रुपये का, पर बहुत अच्छी लग रही थी मूर्तियाँ इसमें बनी हुई थी। तो मैं यहाँ पे ना शादी और मुंडन वगैरह होते रहते हैं, तो अंदर बहुत काफ़ी भीड़ थी, इस वजह से मैं अंदर नहीं गई थी। और ये है मार्केट, तो बहुत अच्छी यहाँ की है मार्केट लखीमपुर की बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है ना ढूंढनी नहीं पड़ती है, जब सब चीज़ सामने मिल जाती है। तो यहाँ पे ना शादी के जितना सामान होता है तो यहीं पे मिल जाता है, और कहीं नहीं जाना होता है, और बहुत अच्छी मार्केट है। और क्योंकि मैं किसी और दिन आऊँगी तब मैं आपको मार्केट दिखाऊँगी, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो ना वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की तो वीडियो बनाई थी, तो भाभी को कुछ लेना था। तो और ना बहुत काफ़ी साल हो गए हैं मुझे मार्केट आई हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का मार्केट। और मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मैं खरीद लेती हूँ, पर ना मैं थोड़ी चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही मैंने ख़रीदा था। फिर इसके सोचा मैंने फिर आऊँगी दोबारा, तब मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि ना शॉपिंग के लिए भी पैसे लगते हैं ना, तो इस वजह से तो कुछ सोच गई थी, तो फिर नहीं ली कुछ, क्योंकि मैंने सोचा चलो शादी में ही शॉपिंग कर लूँगी आके, और अभी से लेकर क्या करूँगी। तो यहाँ पे भाभी ना नेकलेस वगैरह देख रही थी, गोल्ड के, यानी कि गोल्ड पाए, बिल्कुल गोल्ड जैसे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था नेकलेस, वही दिखा रही थी भाभी। तो यहाँ पे अंगूठी मैंने ली थी एक, और यहाँ पे आ गए थे मॉल, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा मॉल है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा है, और अच्छी सी शॉपिंग भी होती है, प्राइस भी बहुत अच्छे अच्छे थे, कोई चीज़ पे तो बहुत ही अच्छे प्राइस थे। तो यहीं पे मॉल काफ़ी अच्छा लग रहा था, और काफ़ी बड़ी है मॉल, तो ये भी मैंने क्लिप में डाल दिया है मॉल का। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर हैं न्यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में पहले उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मेरे वीडियो को मतलब चैनल को चलते हुए, और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और यहाँ पे पावदान देख रही थी भाभी, क्योंकि पावदान की ज़रूरत भी थी, तो मैं भी पावदान लाई थी यहाँ से, क्योंकि पावदान भी अच्छे, काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, और पर इनके प्राइस भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है, प्राइस भी सब मतलब अलग अलग प्रकार के थे। तो आज ये है मॉल। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा।